Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. पूर्वांचल व अवध के जिलों को लगातार 3 दिनों से भिगो रहे बादलों ने शनिवार को भी जमकर पानी बरसाया। इस दौरान वज्रपात, दीवार छप्पर गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाओं से आवागमन बाधित हो गया। तेज हवा व बारिश से गन्ने, धान व सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश के चलते राप्ती, घाघरा व सरयू नदी उफनाने लगी है। गोंडा में घाघरा नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई। बलरामपुर में राप्ती नदी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। अयोध्या में बीते 36 घंटों में 2 से 3 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अंबेडकर नगर में कच्ची दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अन्य घटना में छप्पर के नीचे दबने से 2 लोगों की जान चली गई, 6 लोग घायल हो गए। सुल्तानपुर में कच्चे घर की दीवार गिरने से बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला जख्मी है। इसके अलावा बिजली गिरने से एक किशोर की जान चली गई। सुल्तानपुर में 2 दिन से हो रही बारिश में 30 से ज्यादा कच्चे व पक्के निर्माण गिर चुके हैं। वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर मंडल के जिलों में शनिवार को भी जमकर बारिश हुई। वज्रपात की चपेट में आकर जौनपुर में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। आजमगढ़ में वज्रपात से एक चरवाहे की मौत हो गई, 2 लोग झुलसे हैं। बलिया में एक मछुआरे की मौत हुई है और एक व्यक्ति झुलस गया। चित्रकूट में भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर में शनिवार को दिन भर फुहारें पड़ती रहीं। बनबसा से 50,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज के बाद फिर पलिया भीरा रोड पर पानी चलने लगा है। बहराइच में 52 मिलीमीटर बारिश हुई। अमेठी में बिजली गिरने से एक मकान की दीवार टूटने के साथ ही आधा दर्जन घरों में लगे बिजली उपकरण ध्वस्त हो गए। श्रावस्ती में राप्ती की बाढ़ से कई रास्तों पर आवागमन बाधित हो गया। बहाव तेज होते ही राप्ती की धारा ने गांव के मकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। गोरखपुर में शुक्रवार देर रात से लेकर शनिवार की शाम तक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 154 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुशीनगर जिले में तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। कानपुर और कानपुर देहात में तेज बारिश हुई, जगह जगह जलभराव से लोग परेशान रहे। फतेहपुर, फरुखाबाद व इटावा में भी बारिश होती रही। महोबा में बिजली गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। हमीरपुर व उरई में झमाझम बारिश होती रही।